सैनिटाइजेशन महाभियान के तहत नगर आयुक्त अविनाश सिंह द्वारा बुधवार को बरगदवा क्षेत्र में स्थित माधव धाम का व्यापक सैनिटाइजेशन करवाया गया। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने निरीक्षण कर संपूर्ण स्थल का अपने निर्देशन में सैनिटाइजेशन एवं सफाई कार्य कराया और उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिशा निर्देश देते हुए सैनिटाइजेशन का कार्य कराया गया। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि महानगर के 70 वार्डों में नगर निगम द्वारा लगातार सैनिटाइजेशन का काम कराया जा रहा है, जिससे कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को कम किया जा सके। सैनिटाइजेशन के क्रम में नगर निगम द्वारा 4 जून में सैनिटाइजेशन का कार्य कराया गया। इस दौरान नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया, आज कोरोना संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के लिए जो शहर के नगर निगम के 70 वार्डों में सैनिटाइजेशन का काम चलाया जा रहा है, उसके तहत इस वक्त हम लोग लक्ष्मीपुरवा वार्ड में बरगदवा क्षेत्र में हैं, माधव धाम में हम लोग यहाँ पर इस वक्त हैं, जहाँ की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्य कार्यालय है। वहाँ पर आज व्यापक पैमाने पर विस्तृत तरीके से सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है, और इसके साथ साथ अभी जो हम लोग हैं आज मंडी समिति में भी हमारा काम चल रहा है। मंडी समिति जो महेवागंज है वहाँ पर अभी मैं PAC का जो हमारा मुख्यालय है वहाँ पे भी बहुत तेज व्यापक तौर पे वहाँ सैनिटाइजेशन काम चल रहा है, उसको मैं अभी मैं देख के आ रहा हूँ। तो ये जो सैनिटाइजेशन की जो प्रक्रिया है डेली जो है प्रातः 8 बजे से लेकर दिन में 2 बजे तक चलती है, और इसके बाद शाम को 7 बजे से लेकर 12 बजे तक जो है ये सैनिटाइजेशन की जो हमारी प्रक्रिया है लगातार चल रही है, और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारे कोरोना के संक्रमण की जो चेन है उसको ब्रेक कर सकें और जो इसका संक्रमण का प्रसार है इसको रोका जा सके।